तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अभी अपने पिछले वीडियो में देखा था ऑब्स पैरालिसिस के बारे में, अब हम लोग देखने वाले हैं क्लम्प की पैरालिसिस के बारे में, दैट इज नोन एज द लोअर प्लेक्सस इंजरी। मैंने क्या बताया था, जो C8 और T1 आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे थे, लोअर ट्रंक। ये दो डिवाइड करते हैं एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब देखो, यही लोअर ट्रंक में जब इंजरी हो जाती थी देन इट्स फॉर्म द क्लम्प की पैरालिसिस। तो ये क्या है, अब देखो लोअर प्लेक्सस इंजरी क्यों बोलते हैं ये मैंने बता दिया, क्योंकि लोअर ट्रंक में डैमेज हो रहा था। अब इसका काउज क्या है, बिकॉज ऑफ द हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म। आर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा एबडक्शन स्टेज में हो जाता है, ठीक है। अब फिगर में दिखाता हूँ तो आपको और बेटर क्लियर होगा। देख रहे हो, दैट इज़ द हाइपर एबडक्शन। एबडक्शन इज वॉट, जब अपने आर्म को दूर ले जाओगे अपने अंदर से, दैट इज हाइपर एबडक्शन के कारण इसकी इंजरी होती है, लोअर प्लेक्सस इंजरी, ठीक है। नाउ दी विच में अकर, इससे क्या हो सकता है, विच में अकर्स वन फॉल्स ऑन द आउटर स्ट्रेच हैंड और आर्म पुल इन टू द मशीनरी और ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि जब आप कहीं गिरते हो तो, ठीक है, वही तब आप जब का हाइपर आउटर स्ट्रेच आर्म हो जाता है, तभी गिरने वगैरह में क्या होता है, इस पोजिशन में गिरोगे कि आपका जो आर्म होगा तो हाइपर एडक्टेड एबडक्शन स्टेज में होगा, तो वो आपका क्या है, लोअर प्लेक्सस इंजरी करा सकता है। और जब बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे, ये डायग्राम देखो, जो जब बच्चे का डिलीवरी के टाइम पे क्या है, दैट इज़ द हाइपर एबडक्शन करवा रहे हैं। आप कभी गिर गए, मान लो आप कभी ऐसे गिर गए हाइपर एबडक्शन स्टेज में गिरे, तो आपका डैमेज हो सकता है। और जब बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे उसका हाथ पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है, दैट्स वाई द, वो भी एक हाइपर एबडक्शन केस हो गया ना, तो वहाँ पे लोअर प्लेक्सस की इंजरी हो सकती है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, नर्व रूट कौन कौन से इन्वॉल्व होती है, तो C8 एंड T1, समटाइम्स C7 भी इन्वॉल्व होता है, बट मेनली C8 एंड T1 इसमें इन्वॉल्व होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है क्लॉ हैंड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। आपको क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो फ्लेक्सर्स, जो रिस्ट के फ्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है, हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं सारे मसल्स के बारे में, तो आपको बताएंगे फ्लेक्सर्स कौन होता है रिस्ट के। तो रिस्ट के जो फ्लेक्सर्स होते हैं और फिंगर्स के जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो, और जो इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड, हैंड में जो हमारे इंट्रिंसिक, देखो हैंड फोर आर्म, मैंने बार बार बताया है कि फोर आर्म क्या होता है, आर्म क्या होता है और हैंड क्या होता है। आर्म मतलब जो एल्बो से ऊपर वाला पार्ट को आर्म बोलते हैं, एल्बो से नीचे वाले पार्ट को फोर आर्म बोलते हैं, और जो आपका जो आप कहते हो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हो, या जिसको बोलते हो कार्पल टनल बोलते हो, उसके बाद जो आपका हथेली जिसको बोलते हो या पाम जिसको बोलते हो, दैट इज़ योर हैंड, ठीक है। ठीक है, तो क्लॉ हैंड के बारे में मैंने बताया, क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा आपको, क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, द लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म। और आपको क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। सेंसेशन की लॉस होने, क्यों सेंसेशन की लॉस होती है, जो फोर आर्म और हैंड में कौन सा सप्लाई होता है, हमने बताया था फोर आर्म में जो होती है वो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, वो सेंसेशन देती है, दैट इज द ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड। तो मैंने बोला ना, समटाइम्स C7 भी डैमेज हो सकता है लोअर प्लेक्सस में, तो ये उसमें देखने को मिलती है। आपको एक हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा, हॉर्नर सिंड्रोम दैट इज द कैरेक्टराइज बाय द पार्शियल पिटोसिस, मायोसिस एंड अनहाइड्रोसिस एंड इन ऑप्थैल्मोस, ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंपथेटिक फाइबर्स। देखो इसमें क्या होता है कि हॉर्नर सिंड्रोम में सिंपथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो सप्लाई कर रहे होते हैं हेड नेक को, जो लीव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड थ्रू इट, मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को इसी के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है कि तुम्हारा हॉर्नर सिंड्रोम, तुमको तीन चीज़ देखने को मैंने बोला, क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा, सेंसेशन का लॉस देखने को मिलेगा, और उसके बाद तुमको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। हॉर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिंपथेटिक फाइबर्स जो सप्लाई करता है हेड एंड नेक को, जब हम लोग हेड नेक पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे सिंपथेटिक फाइबर्स के बारे में वहाँ पे, तो जो सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं हेड नेक को सप्लाई कर रहा है, और वो हेड नेक को सप्लाई कर रहा है, वो स्नैप, जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलता है। और स्पाइनल कॉर्ड में आपको पता है, देखो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें आपको पता है वर्टिब्रा होते हैं, तो वर्टिब्रा के बीच से होता है इंटरवर्टिब्रल कॉलम, वहीं से स्पाइनल नर्व्स आता है। तो जो ये नर्व्स होते हैं ना, ये भी दैट आर द स्पाइनल नर्व्स ना, जो हमारे बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं तुम्हारे, जो लोअर प्लेक्सस या लोअर ट्रंक से जो निकल रहे हैं, इन्हीं के थ्रू ये पास होता है, ठीक है, जो सिंपथेटिक फाइबर्स जो हेड नेक को सप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, हॉर्नर सिंड्रोम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपको क्लासिकल ट्राइड्स बोलते हैं तुम्हारे हॉर्नर सिंड्रोम में, जैसे मायोसिस दैट मीन्स द कॉन्स्ट्रिक्टिव प्यूपिल, पार्शियल पिटोसिस एंड लॉस ऑफ हेमीफेशियल स्वेटनिंग,
नैनीजो एनहाइड्रोसिस। तो ये क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है हॉर्नर सिंड्रोम में। तो आप लोग देख सकते हो कि स्वेटनिंग तुमको फेस के हाफ पार्ट में तुमको स्वेट मतलब पसीना ही नहीं, स्वेटनिंग ही नहीं देखने को मिलेगी। पार्सल पिटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, पार्सल पिटोसिस इन द अपर आईलिड ड्रूप कर जाएगा, ठीक है, एंड मायोसिस जो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द कंडीशन जो मैंने बताया, हॉर्नर सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो देखो इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, आपको ये जो है ना फीचर्स ऑफ एप्स एंड कलम्पके, तो क्लम्पके एंड एप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो गुडनाउ रूट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रही है, C5 C6 आपको ऐसे पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। C8 T1 मसल्स कौन कौन सी पैरलाइज हो रही है, डेल्टोइड, सुपरा स्पाइनेटस, इन्फ्रा स्पाइनेटस, बाइसेप्स ब्रैकाई, ब्रैकियलिस, ब्रैकियो रेडियलिस, सुपाइनेटर, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये सारे मसल्स पैरलाइज होते हैं इनके डैमेज होने से। और हैंड हैंड के जितने इंट्रिंसिक मसल्स है वो मैंने बताया था ना आपको, रिस्ट एंड द फ्लेक्सर्स ऑफ द हैंड, ठीक है, फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड हैंड, और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड सप्लाई होते हैं। पोजीशन इसमें क्या होगा, वेटर स्टिप या पुलिस पोर्टर स्टिप्स, वेटर स्टिप, क्लॉ हैंड, मैं आपको क्लॉ हैंड का डायग्राम भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। और देखो सेंसरी लॉस क्या होगा, आउटर स्पेक्ट ऑफ द आर्म में देखने को मिलेगा, और ये मिडिल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म और आर्म हैंड में तुमको देखने को मिलेगा। ऑटोनॉमिक साइंस मतलब क्या, वही सिंपैथेटिक फाइबर्स वगैरह से जो नहीं सप्लाई हो, तो इसमें एबसेंट होंगे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, इसमें हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ सेंसेशन अलॉन्ग द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, और इसमें मिडिल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लॉ हैंड के डायग्राम फ्रेंड्स आप देख सकते हो, दैट इज योर क्लॉ हैंड, ठीक है, तो ये क्लॉ हैंड आप देख लिया फिगर में, इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा जो क्लम्पिक के पैरालिसिस था हमने कंप्लीट कर दिया। तो देन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ हमने लेजन्स तो ब्रैकियल प्लेक्सस के दोनों को कंप्लीट कर लिया अपने चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से इंटरमस्कुलर स्पेस का ही होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।